ऑस्ट्रेलियाई बचाया एक विशाल काय स्पाइडर शेष दुनिया के चमत्कार क्यों। विशाल ऑस्ट्रेलियाई स्पाइडर एक आदमी के हाथ का आकार 6 इंच के पैर वाला 1-2 इंच का शरीर हो सकता है जो कुछ चिहुआहुआ से बड़ा है। पिछले दिनों के लिए दुनिया भर के लोगों को कम से कम ऐसे लोग जिन्हें एक निश्चित मकड़ी का वीडियो बिना चिल्लाए आग से मार डालो। क्या इंड्रिया गॉफ्टन अपने महाद्वीप पर सबसे दयालु ऑस्ट्रेलियाई लोगों में से एक है या बस पागल है, इस बारे में एक कठोर बहस में लगे हुए हैं। इस महीने उसके समुदाय ने 1 मार्च के बाद से करीब 20 इंच में लगभग एक दशक में सबसे बुरी बाढ़ का सामना किया है। घरों और सड़कों पर बाढ़ आ गई है। इको क्रीक एडवेंचर पार्क की फील्ड यात्रा पर छात्रों को अधिक क्रीक और अधिक रोमांच की अपेक्षा की गई थी और शहरों को आपदा क्षेत्र घोषित किया गया है। फिर भी सभी चीजों को माना जाता है जलजनित आबादी ज्यादातर सुरक्षित है। कम से कम मनुष्य पूर्वोत्तर ऑस्ट्रेलिया में हवा सांस लेने वाले पशु बनना कठिन समय है। घने और बिलों में बाढ़ आ गई है। खाद्य स्रोत पानी के नीचे होते हैं और जल निपुण शिकारियों विशेषकर मगरमच्छ, शार्क और सांप नशे की लत शिकार की तलाश में नवनिर्मित जलमार्गों की सवारी करते हैं। लेकिन गोफ्टन की नैतिक दुविधा एक ऐसे छोटे छोटे मकड़ी के रूप में आती है जो एक पेड़ की शाखा में अनिश्चितता से पकड़ लेती हैं। एक विशाल ऑस्ट्रेलियाई टारेंटुला जिसे पक्षी मकड़ी कहते हैं, यह जाहिर है मनुष्यों के लिए जानवरों को बचाने के लिए लगभग सहज, यहाँ तक कि जब वे इसके विशेष रूप से अच्छी नौकरी नहीं करते हैं। लेकिन मकड़ी के बारे में कुछ चीजें हैं जो गोफ्टन ने सामना किया था जिन्हें लोगों को टिम कैटविथ फिर से प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय लेने से पहले पता होना चाहिए। यह बहुत बड़ा है। मकड़ी एक आदमी के हाथ का आकार हो सकता है, 6 इंच के पैरों के साथ 1-2 इंच का शरीर, यह कुछ चिहुआहुआ से बड़ा है। इसमें विशाल विषैली फंग है। टारेंटुला के फैंग करीब आधे इंच लंबा होते हैं। उसके शरीर के आकार का छठा आकार है। क्वींसलैंड संग्रहालय का कहना है कि टारेंटुला यदि अपमानित हो तो काफी आक्रामक हो सकता है और यह कि कुत्तों और बिल्लियों के लिए जल्दी घातक है, लेकिन मानव में गंभीर बीमारी का शायद ही कभी कारण होता है। यह एक घातक है यदि गलत नाम है। वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि पक्षी का नाम का मकड़ी तकनीकी तौर पर एक मिथ्या नाम है। विशाल ऑस्ट्रेलियाई टारेंटुला केवल कभी कभी पक्षी खाती हैं। इसके बजाय यह छिपकलियों में बेड़े और अन्य मकड़ियों पर उत्सव करता है जो सुधार नहीं होता है। यह तुम्हारे पीछे खड़ा है, ठीक है, यह एक तकनीकी तौर पर एक झूठ है, लेकिन उतना जितना नहीं जितना आपको लगता है। यह हालांकि कुछ ने कहा है कि यह एक छाल से अधिक है। किसी भी तरह से ध्वनि प्रकृति के कहने का तरीका है, मुझे इस उग्र नदी आंद्रेया से बचाने न करें, लेकिन कुछ लोग सुनते नहीं हैं। गोफ्टन और उसके दोस्त एंजी गिलबर्टो ने हेलोफेक्स के शहर में स्पार सुपरमार्केट के बाहर अल्काइंड का सामना किया। नॉनेशंस ऑस्ट्रेलिया के अनुसार प्राणी के पैरों को एक तहसील शाखा पर छिड़क दिया गया था जो नीचे से पानी से बहने वाली एकमात्र चीज थी। ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में से एक फिल्म आया जाता है जबकि दूसरे ने मकड़ी के करीब एक हाथ रख दिया, जाहिरा तौर पर यह देखने के लिए कि क्या यह कूड़ा होगा। यह नहीं था, इसलिए उन्होंने उस शाखा को तोड़ दिया जिस पर वह था और इसे आसपास एवोकैडो पेड़ में ले गया जहां उन्होंने इसे मुफ्त में सेट कर दिया। उन्होंने अगले 24 घंटों में मकड़ी के सशक्त समर्थकों के साथ आगे बढ़ते हुए बर्ताव किया है और यह तर्क दिया है कि उनके कार्यों को दिल से भरे हुए थे, भयानक नहीं। जाहिर है आलोचकों का तर्क है गोफ्टन ने संदेश नहीं दिया था कि विशाल मकड़ियों हमारे दोस्त नहीं हैं। नौनो बसनोप एक महिला ने मकड़ी के बारे में एक पोस्ट पर लिखा, बाढ़ के बारे में एक समुदाय फेसबुक समूह को बचाओ, एक ज्योति फेंकने के साथ पेड़ को जला दिया जाना चाहिए। थोड़े समय बाद गोफ्टन ने जवाब दिया, मुझे खुशी है कि वहाँ अच्छे लोग हैं। एक जानवर के बारे में नकारात्मकता हास्यास्पद से परे है। बेशक मकड़ी एक है जिसने आखिरी हंसी का सामना कर लिया है, कर्कश छाल। यह अब सुरक्षित रूप से आस पड़ोस के सुपरमार्केट के बाहर एवोकाडो के पेड़ में तूफान का क्या अभाव है इसका पता लगा रहा है। इसका मतलब है कि कुछ अनसुनी खरीदारी करने वाले को आश्चर्यचकित किया जा सकता है, खासकर अगर बचाया मकड़ी महिला है। विशाल ऑस्ट्रेलियाई तारंचुला के बारे में एक और मजेदार तथ्य, महिलाएं एक समय में 50 अंडे रख सकती हैं।